सींग है, ऐसा लग रहा है लकड़ी लगी हुई है ऊपर। जिस डियर के सींग रहेंगे वो मेल रहेगा। मेल डियर हर साल अपने सींग को चेंज भी करते हैं कुछ लेके। गाइस वो नील गाय है, वो अपन को देख के, अपन को देख तो लिया उसने। नील गाय की भी मैंने, ये फीमेल है क्या? ये फीमेल है। हाँ वो तो बहुत वैसी होती है, बहुत बड़ी मेल भी रहेगा ना, थोड़ा हेवी रहेगा और उनका कलर भी चेंज रहेगा, पूरा कलर में थोड़ा ब्लैक टाइप का दिखेगा। हाँ थोड़ी नीली नीली। देख रही है अपन को, बाय बाय जा रहे हैं, जा रहे हैं। भैया ये तो बस शैलेश नाम ही बढ़िया है मार लिया। ये सारी लकड़ियां गाइस सांगवान की, और इस सबसे महंगी लकड़ी है सांगवान की, लेकिन ये कर नहीं सकते ना, ले जा भी जा नहीं सकते, यहाँ पे अलाउ नहीं है ले जाना, बट ये सारी सांगवान की लकड़ियां हैं। तो अपन भी बन जाएंगे पुष्पा, वो लाल चंदन लेता है, सांगवान का कारोबार चालू करता है। हैं पुष्पा, क्या है भैया ये? ट्राइबल विलेज। ट्राइबल विलेज है ये, सेफ ट्राइबल विलेज है मेरी नज़र में, ये तो सबसे ज्यादा सेफ है, शेयर प्रोटेक्ट। लेकिन काली तो मर गई, देखो तो अभी हमने दिखाया आपको हिरण शेर का ब्रेकफास्ट, अब हम उसका लंच दिखाते हैं। शेरा कोई बात नहीं मैडम, थैंक यू मैडम, लाइन से निकली, लाइन से जा रही है, एक बात अच्छी इनमें डिसिप्लिन है। हाँ वो कर रही है ना सवारी, वो एक्चुअली उसने अपना यहाँ पे वो खोल रखा है उबर कैब का, वो खोल रखा है। बाय 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 बाय, ये सही लगा मेरे को, इसको मतलब नहीं है किसी से। बताओ हमको थोड़ा ये क्या है, संतरे? बंदर लड़ रहे हैं एक दूसरे से, हैं परेशान, अब भागा पिग, जंगली टिमोन, जंगली शुगर, पूमा पूमा, दैट्स पूमा। ये बंदर बहुत शैतान होते हैं, छेड़ छेड़ के भाग रहे हैं, भाग गया वो पूमा तो। आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं लग रहा उसका सींग है ना, मतलब इतने सुंदर है कि ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल बनाया है, मैन मेड है। पीलो पीलो पानी पीलो, वील नॉट डिस्टर्ब यू, हैव योर मॉर्निंग टी। फुटप्रिंट्स दोस्तों, सुबह के हैं, सुबह के हैं तो कह रहे हैं, इधर देखो कितने मज़ेदार हैं दोस्तों, ये शेर के फुटप्रिंट्स हैं, ये देख के गूज बम आ गए हमको तो। आप ये भी देख के पता लगा लेते ना मेल है फीमेल है, ये बात ये मेल लग रहा है तो मेल का, तो फ्रेश नहीं है, फ्रेश नहीं है कल का, ओ कल का इतना बता देते हो, आया देखो मिट्टी आती है, और कौन से गोत्र का भी यही बता दो। चलो भैया हां, राउंड में रहेगी ना तो मेल रहेगा, थोड़ी लंबी बोल रहेगी तो फीमेल रहेगी। मजा आ गया बुआ, अपन यूं बैठे हो एकदम पीछे देखो शेर आ रहा है, भागते पीछे से, मजा आ जाए ना। ये क्या आवाज है? ये आवाज है ना क्रिकेट की, हमारी क्रिकेट, ओ भाई इससे कितने क्रिकेट हैं जो जरूर बढ़ेगा आवाज बढ़ेगी, इसका लाइव से ब्रेक कर देता है, और समर के टाइम में हमें बाहर का और ही आया है, क्योंकि बाहर इतनी जगह है कि लाइव में, मतलब लाइव तो एक दिन की होती है लेकिन हमारे कान का खून भी चूस रहे हैं, और एक टाइम का भी चूस रहे हैं, दिख ही नहीं रहे मेरे को तो। अच्छा ये उड़ रहा है जो, देख के देना
गाइस मतलब आवाज सुनो, आवाज कितनी है। वो वापस से शेर दिखने की उम्मीदें हैं, मजा आ जाएगा। देखो दोस्तों, वो शिकार पड़ा हुआ है ताजा ताजा शेर का, तो शेर होगा यहीं कहीं। तो पूरी फैमिली है, और भी कई हैं, तो बच्चे शेर है, बच्चे हैं, बेबी भाई कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो ये सब अभी खा के लंच करके बैठे हैं, नहीं ब्रेकफास्ट। आगे तक है, आगे वो अपन को इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन वो आगे तक है, लाइन है पूरी आगे तक, पूरा झरना पानी से नहीं भरा हुआ लाइन। मतलब आपकी बात सही हो गई, वो बोल रहा था ना कि गिन नहीं पाया इतने हैं। वो देख रहा है एक तो अपन को, हाय हाय दोस्त, बाय बाय, वी हैव टू गो नाउ, सो बाय बाय। अच्छा लगा आपको देख के, हम आपको देख नहीं आए थे। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, शॉप में आ गया खूब सारे। जय हो शैलेश भाई, भरत भाई की जय हो। बुआ मजा आ गया, कितने सारे देखे, यंग भी देख लिए भैया। इसकी एज कितनी होंगी, एक दो महीने के थे तो भैया ऐसे बोल रहे थे कि 3-4 सफारी करते हैं तब जाके एक शेर मिलता है। हमारी आज थोड़ी सी किस्मत अच्छी है, हमको बूढ़ा शेर भी देखने को मिल गया, नॉट सो बूढ़ा, यंग बेबीज भी, बहुत सारे बेबीज, मतलब ऐसे नहीं कि एक, ऐसे झुंड का झुंड, कम से कम 10-15 होंगे वहाँ पे, 11 होंगे वहाँ पे आराम से। ग्यारह कप्स थे वहाँ पे, पूरा झरना ही था बेसिकली, तो वो उसमें लॉयंस ही लॉयंस थे, वो लकड़ियों की वजह से दिख नहीं पा रहे थे, बट ऑसम ऑसम, बहुत सुंदर थे। ये ज्यादा सुंदर लगा वो आपको कि बड़ा वाला? एक तो बड़ा वाला था, मेरे को तो ये ज्यादा मजा, मतलब ये देख रहा था, ये कवनों के तो क्यूट लग रहे थे, ऐसा लग रहा था दाल पकड़ के यूं कर दूं, वो भी दाल पकड़ के ही हुई, दाल नहीं पकड़ता वो मुंह अपने मुंह से, हाथ की जगह पंजा होता। हाँ, लेपर्ड जयपुर में रोडों पे मिल जाता है, एशियाटिक लॉयन होता है, जो अच्छा खासा बड़ा वाला लॉयन होता है, वो सिर्फ मतलब बहुत कम जगहों पे मिलता है, गिर उनमें से एक जगह है, इसीलिए गिर इतना फेमस है, दुनिया से लोग आते हैं गिर में वही लॉयन को देखने, और हमने देखे, बेबी भी देख लिए, बेबी तो बहुत क्यूट क्यूट से थे। तो गाइस अभी यहाँ पे वॉशरूम देख के लिए रुके हैं, मजा आ गया यार आज, कप्स भी देखे, जो कप्स थे भैया बता रहे थे कि वो एक या दो महीने के ही है, जो बड़ा वाला था वो 10-12 साल का था, मजा आया, मतलब ऐसे बता रहे थे कि 3-4 बार भी लोग आते हैं सफारी करने, पर उनको दिखता नहीं, और उनको 2 बार आज दिख गया, क्या बताऊं, मतलब देख के मजा सा आ गया। मैंने आज तक कभी भी अपनी आंखों से लायन नहीं देखा है, ना ही कभी जू में देखा है, नहीं कहीं देखा है, ये फर्स्ट टाइम देखा है मैंने, और लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो टीवी में अपन देखते हैं और जो सामने देखते हैं ना, उनमें एक ऑपोजिट है, नॉर्थ साउथ का फर्क है, बिल्कुल ऑपोजिट, जो सामने से अपन देखते हैं ना, वो इतने ज्यादा अलग और सुंदर लगता है, उसका मैं बता ही नहीं सकता। जीवन इस जीवन में, इस जीवन में ना पहनू वो शेर वाली शर्ट, इस जीवन में ना पहनू मैं पाव जबरदस्ती, पाव जबरदस्ती उससे बोल रहे काय काय। हमको कुछ मिला है गाइस, हमको कुछ मिला है, अरे वो मम्मी है मेरी, ये नहीं, ये प्राणी नहीं गाइस, देखो वो है कुंड, वहाँ पे सारे जानवर पानी पीते हैं, वो है हग्गू स्टेशन के सारे जानवर सपोर्टी करते हैं। मैं हूँ पृथ्वी ग्रिल्स, और मैं निकला हूँ शेर की तलाश में। मैं पत्ते को छू के बता सकता हूँ यहाँ से शेर निकला है कि नहीं निकला है, तो आइए चलते हैं शेर की तलाश के सफर में। Shout out to new vlogger in the house, new vlogger in the house. इसको क्या बोलते हैं? शीशो कुछ बोलते हैं ना? पवन चक्की।
तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हिरण हमको मिले हैं, मतलब कि शेर हो सकता है यहाँ पे। मैं पृथ्वी ग्रिल्स आपको अपडेट, दोस्तों मैं हवा हिलने से बता सकता हूँ शेर कहाँ पे है। दोस्तों हवा में थोड़ी नमी आई है, ये शेर की नहीं है, कुछ और किसने पाला है। विक्षाम देही, यू नो हिरण सीता। मैं समझ गया, वो देख कैसे खा रहा। ओ क्या खाना क्या चाह रहा है? हिरण देख के तो मेरे को हमेशा रामायण की याद आती है। हाय ब्रो, व्हाट इज अप? Are you a camera shy person? No, you are not a person. Are you camera shy? Okay. Okay, bye. Bye, bro. Bye. Hi, Hero. What's up? Hi, Prithvi. Hi, Hero. What's up? Hi, Prithvi. कैसे हो? बढ़िया. हाँ, मैं बढ़िया. तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया. तो गाइस, इसी के साथ हमारी जो ट्रिप है वो एंड होती है। जो रूट था, हम बाहर निकल चुके हैं अब। जो वाइल्ड लाइफ मेन एरिया था उससे हम बाहर आ चुके हैं, एंड हो गई। बट बहुत मजा आया। बुआ बताओ, हमने क्या क्या देखा? हमने दो दो शेर देखे, शेर के बच्चे देखे, नीलगाय देखी, सांबर हिरण देखा, मोर देख, जंगली सुअर देखा, पूमा जो फेमस कार्टून कैरेक्टर है वो देखा, बारासिंगा। तो बारासिंगा देखा था क्या? बारासिंगा नहीं देखा भैया, भरत जी ने मना कर दिया। और क्या देखा? ईगल देखी, ईगल देखे, पीकॉक देखा, बफेलो, गाय सब देखे, इंसान भी देख लिए थे अंदर, काली देखा, काली। तो गाइस हम आ चुके हैं मेन रोड पे, और हमारा 35 किलोमीटर का रूट था वो हो चुका है खत्म, और ऑलमोस्ट उसमें 3 घंटे लगे हैं, ऑलमोस्ट 11:15 ही हो गए हैं। हम वहां से आए हैं, ये नदी अंदर तक है, वो पूरा एरिया है, वो पूरा कवर करते हुए हम लोग आए हैं। दोस्तों क्रोकोडाइल भी हमको दिख चुका है, कैमरे में नहीं दिखेगा क्योंकि वो पानी के अंदर है, बट वो मैं समझ गया वो क्रोकोडाइल है, वो पूरा दिख रहा है, उसके बॉडी तक दिख रही है, हल्का सा पार्ट बाहर है वो, जहाँ पानी हिला जहाँ पे, जहाँ पानी हिला, अगर आप देख सकते हो कैमरे में थोड़ा सा जो पार्ट ऊपर है वो क्रोकोडाइल है। दोस्तों जानवरों की लिस्ट में अपन क्रोकोडाइल को भी ऐड कर लेते हैं। शैलेश भैया और भरत भैया, वेरी वेरी थैंक यू, दो बार हमको इन्होंने लॉयन दिखा दिया और बहुत अच्छी तरीके से गिर विर का सब कुछ बताया, बहुत अच्छी नॉलेज इनको, तो बहुत बहुत थैंक यू भैया। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा एक बार ये सुवीनियर शॉप भी दिखाते हैं, फ्रिज मैग्नेट या कुछ मिले तो वो ले लेते हैं। बुआ बोल रही है ये शर्ट ले लो, लेकिन बुआ ये मैं जीवन में नहीं पहन रहा, ये लाल शर्ट उसमें शेर बना हुआ, चला हुआ देखते अंदर पहन के, शेर वाली हिरण वाली लूं मैं। तो ये अच्छा लगा क्योंकि 40 रुपये का है और इस पर लिखा हुआ भी गेट्स नेशनल सेंचुरी, बाकी तो बस शेरों की तस्वीरें बने और उनकी कोट्स है, तो ये ठीक है, इससे याद रहेगा कि हम लोग गिराए थे। लग रही है लेकिन शायद अच्छी मेरे को वाली लगी थी, ये वाली क्या चमकती। तो गाइस मेरा फोन डेड हो गया था तो इसलिए उसके आगे से मैं शूट कर नहीं पाया, लेकिन अब हम घर पहुंच गए थे, बहुत थक गया था, फिर हम नहाए धोए वापस से क्योंकि इतना पसीने पसीने हो गए थे, थोड़ा सा रेस्ट करा, सोए, फिर अभी उठाऊं मैं। अब ड्यू से जाने का टाइम आ चुका है।